हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक के बारे में। मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए ऐसा एक पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें अभी आप लोग निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुनाफा होगा। लेकिन कौन सा पेनी स्टॉक है वो बताने से पहले मैं कुछ चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो चीज आप लोगों को सही लगे तभी आप लोग ये वीडियो में बने रहिए, नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। तो क्या चीज है, हम लोग जैसे कोई अच्छे कंपनी का जैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ऐसे अगर पेनी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे फंडामेंटली तो कोई भी पेनी स्टॉक, मुझे लगता है 100 में तो शायद 99 ऐसा ही पेनी स्टॉक आप लोगों को मिलेगा जिसमें आप लोगों को फंडामेंटली यही कहा जाएगा कि ये पेनी स्टॉक अभी सही नहीं है। तो कोई भी पेनी स्टॉक हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं उसमें मेनली मेरा हम लोगों का फोकस होता है, मेरा फोकस होता है कि टेक्निकली स्ट्रांग है कि नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली अगर वो ऑलरेडी स्ट्रांग बहुत होगा तो ऑलरेडी वो डिजल दे चुका होगा, वो पेनी स्टॉक नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोग फंडामेंटल चेक नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम लोग फंडामेंटल चेक करेंगे। लेकिन फंडामेंटली सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ ये सब पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो हम कभी भी कोई पेनी स्टॉक खरीद नहीं पाएंगे। तो क्या क्या पॉइंट हम लोग फंडामेंटली देखेंगे एक पेनी स्टॉक खरीदने के टाइम में, तो तीन चार पॉइंट है हम लोग आपके साथ अभी मैं शेयर करूंगा। एक तो है कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ है कि नहीं है, अगर जीरो डेप्थ है तो बहुत अच्छा है, और डेप्थ है भी तो आपका मार्केट कैपिटल के मुकाबले वो डेप्थ कितना है, कंपनी के पास इतना कैश है कि डेप्थ तुरंत चुका सके, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी का मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, उसमें कुछ शेयर प्लेज है कि नहीं है, और तीसरा पॉइंट हो गया कि उसका जो करंट लाइबिलिटी है वो करंट एसेट के मुकाबले कितना कम है, मतलब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितना ज्यादा है। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट हम लोग फंडामेंटली देखेंगे कोई पेनी स्टॉक खरीदने से पहले, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग टेक्निकली इसमें फोकस करेंगे। ओके, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक में अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक माइंडसेट कर लेना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पैसा इसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 500,000, ज्यादा से ज्यादा 5,000, ठीक है, इससे ऊपर जाना नहीं है। कोई भी बंदा अगर ये सोचता है कि मैं 1,00,000 रुपये लगा दूंगा और इससे मैं 50,00,000 रुपये बना लूंगा तो भाई तुम्हारा पैसा फंसने वाला है, तुम्हारा अगर मेंटेलिटी ऐसा है तो तुम इसमें मत लगाओ। इसमें वही बंदा पैसा लगाए जो ये माइंडसेट करके कि मैंने ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये मैं लगाया हूँ, इसमें मेरा 2,500 रुपये नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा नहीं है तो पेनी स्टॉक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बहुत नुकसान देख सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, अभी आ जाते हैं तुरंत मेन वीडियो मेन टॉपिक में, कौन सा शेयर आज हम बात करेंगे आपका असीमा लिमिटेड के बारे में। ठीक है, असीमा लिमिटेड में आज एक बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ये देखिए 365 करोड़ का कंपनी का पेनी स्टॉक है। ठीक है, पी इसका अंडर वैल्यू होगा, पी तो पेनी स्टॉक का ज्यादातर अंडर वैल्यू होता है। डेप्थ कितना देख लेते हैं, डेप्थ देखिए इसका 22 करोड़ का है, तो 365 करोड़ के मुकाबले 22 करोड़ ज्यादा नहीं है। और इसका कैश कितना है, 52 करोड़ कंपनी के पास अभी कैश है, इसका मतलब कंपनी जब भी चाहे ये 22 करोड़ का डेप चुका सकता है, एक अच्छा पॉइंट है। मैंने ऑलरेडी पॉइंट देख ही लिया इसलिए मैं इसी पेनी स्टॉक के ऊपर शेयर बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो अभी इसका क्या देखेंगे, दूसरा चीज प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखिए इसका 73.49 प्रोमोटर्स का होल्डिंग है जिसमें कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों का हो गया, तीसरा देखेंगे ये करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स में कितना क्या है। तो करंट लाइबिलिटी ना, एक मिनट, करंट लाइबिलिटी इसका 40 करोड़ का और करंट एसेट है इसके 125 करोड़, तो मोटा मोटी पकड़ लिए 3 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा भी होता है तो हम लोग उसको सही मानते हैं, तो 3 गुना ज्यादा है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अभी सीधे आ जाता है इसका टेक्निकल में, तो फंडामेंटली जो जो पॉइंट हम लोगों को देखना था हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये शेयर पेनी स्टॉक के हिसाब से सही है। अभी देखिए वन डे का चार्ट है, इसमें एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आज हम लोगों को देखने को मिला है, और जो इंडिकेटर हम लगा के रखे सुपोर्टिंग वाला वो मुझे वन डे चार्ट में बाय सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखिए RSI भी लगभग 60 के करीब है, तो और प्राइस जो है आपका 50 डेज मूविंग एवरेज 100 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट हम लोग देख लेते हैं, वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर बना है, ऐसा क्रॉसओवर जब बनता है तब शेयर ज्यादातर ऊपर ही जाता है। ठीक है, आपका 2 हफ्ते पहले वीकली चार्ट में आपका क्या बोलते हैं इसको सुपर टेन ने सेल दिया था, सेल का सिग्नल दिया था, लेकिन 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये तोड़ नहीं पाया,
यहाँ पे इस शेयर ने सपोर्ट लिया, फिर से बढ़ने लगा और RSI अभी भी 60 के ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट भी हम लोगों को बोल रहा है कि इस शेयर में हम लोग निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक क्रॉस ओवर फिर से बना है, शेयर अभी 100 डेज, 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है और RSI भी ऊपर है। तो तीनों दिक से अगर हम लोग देखेंगे तो ये शेयर में अभी खरीदारी बनती है। लेकिन कितना, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें 19 रुपए का 20 रुपए का शेयर को बोल रहा 1000 रुपए जाएगा, लेकिन मैं क्लिक बाई नहीं करता, जेन्युइन टारगेट देता हूँ, जेन्युइन स्टॉप लॉस। ये शेयर आपका 20% स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, मतलब अगर ये शेयर आपका मंथली चार्ट में ये आपका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है इसे इसके नीचे क्लोज देता हम लोग निकल जाएंगे और टारगेट पकड़ के चलेंगे 28 रुपए से 30 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। अभी का अभी उस टाइम में इसका पैटर्न क्या होता है हम लोग आगे जाके जब प्रॉफिट देगा, अगर प्रॉफिट देगा तो हम वीडियो बना देंगे। और अगर ए शेयर ए वाला जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है इससे नीचे अगर क्लोज करता है तो हम इससे निकल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जितने भी आगे वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक लाइक भी कर दीजिएगा हो सके तो, क्योंकि आप लोगों का लाइक हम लोगों को क्या करता है, एनर्जी देता है आगे वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।